सभी भाइयों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है केएस डेयरी फार्म के यूट्यूब चैनल पे। आज आपको एचएफ गाय दिखाएंगे, 5-6 गाय, और 5-6 की गाय शो क्वालिटी की, मान लो कंपटीशन लेवल की, और 60-60 लीटर प्लस दूध की गाय है दिखाएंगे। तो सबसे पहले कि ये बछड़ी जो सेकंड टाइमर है, अभी 4 दांत है, 4 से 6 दांत हो रही है, अभी प्रेग्नेंट है, बच्चा देने में टाइम है अभी इसका, और मिल्क कैपेसिटी इसकी 60 लीटर की है। फर्स्ट टाइमर ने 47 लीटर दूध दिया है। आप साइज, करेक्टर्स और हाइट देखिए, ये डिम्सी के सीमन की है खुद, ये चेक करिए आप क्वालिटी। एक बार पीठ की बनावट और स्ट्रक्चर देखिए, ये बछड़ी का तकरीबन अपने पास 8 जनरेशन का जो प्रॉपर कंप्यूटर का रिकॉर्ड है, 250-300 गाय का फार्म है जहाँ से ये आई है। फर्स्ट टाइमर 47 लीटर दूध दिया, इस बार 58-60 से प्लस दूध की क्षमता है, और बिल्कुल यंग एज में है, और एज भी अभी तकरीबन 3 साल से कुछ महीने ही प्लस हुई है। सबसे बड़ी चीज़ तो साइज, स्ट्रक्चर और क्वालिटी देखिए आप, ऊपर से पीठ की बनावट, शेप और कलर, और लेग स्कोर देखिए आप कितना अच्छा है, पाँव, हर चीज़ देखिए बछड़ी की, कि भगवान ने एक एक चीज़ लगाई है। साइज़ पहली बात तो जो इसका साइज़ है वो ही नहीं मिलता इतना जल्दी, और जो इसका कलर है, ये ओरिजिनल कलर है जो पंजाब की गाय है, ये ओरिजिनल कलर है, ऊपर से ब्लैक, टांगे सफ़ेद, अडर सफ़ेद, आदि पूंछ सफ़ेद, ये जो स्टार्टिंग में ब्रीड यहाँ से डेवलप हुई है, जो डेनमार्क के सीमन आए थे आज से 15-18 साल पहले, जो जहाँ गवर्नमेंट ने, यूनिवर्सिटीज ने सीमन दिए, तो उनसे जो बनी हुई गायें हैं, ये इनकी ब्लड लाइन की गायें हैं, जो ये बहुत ज़्यादा अच्छे दूध की और कंपटीशनों में जीतती हैं ये गायें, तो उस मान लो कि पुरानी ब्लड लाइन के पे गई हुई बछड़ी है ये बछड़ी। मान लो कि इस बार 58-60 लीटर दूध देगी। प्राइस रेंज की बात करूं मैं, तो प्राइस इसका पूरा 2 लाख रुपया रेट है। हमारे जो प्राइस होते हैं फिक्स प्राइजेज होते हैं, नेगोशिएबल नहीं है। आपको मैं ऑर्डर दिखा देता हूं, अभी तो ऑर्डर नहीं बनाया इतना खास कोई, लेकिन शुरू हुई है बनाना, ये चेक करिए। जब ऑर्डर बनाएगी तो क्या चीज़ बनाएगी ये आपको अभी आइडिया इसको देख के हो जाएगा। इससे आगे टर्मिनेटर के सीमन की गाय है, सेकेंड टाइमर गाय है, ये गाय भी हाई यील्डिंग गाय है, और अडर क्वालिटी और स्ट्रक्चर तो इसका भी क्या ही बात है। आपको दिखाता हूँ मैं प्रॉपर ये गाय को भी। अभी मान लो थोड़ा थोड़ा अडर बनाना स्टार्ट हुई है, क्योंकि फार्म से आने की वजह से ये गाय डरती हैं। आप कलर देखिए, टर्मिनेटर के सीमन की गाय है खुद ये, अडर की शेप और स्ट्रक्चर और नसें, ये अभी बताने की ज़रूरत नहीं है, जब ये गाय तैयार होगी तो कैसा अडर बनाएगी और कैसी बनेगी ये मेरे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये गाय खुद बताएगी। ये गाय ने, फर्स्ट टाइमर ने 43 लीटर मिल्क दिया है, अभी सेकंड टाइमर बच्चा देगी, इस बार कोई मान लो 55 से प्लस दूध देगी। अडर में अभी आप देखिए कि जो अडर की शेप है, अडर में अभी कितनी ज़्यादा स्पेस है, और जो बल डर रहे हैं अडर में, और आप सोचिए कि जब ये अडर तैयार होगी तो कैसा अडर बनाएगी और कितना का अडर बनाएगी ये बछड़ी। ये सेकंड टाइमर है, ये आप चेक करिए अडर पे स्पेस और जो बल हैं अडर के, ये कैसे हैं। ये बछड़ी टर्मिनेटर के सीमन की है खुद। इनका जितनी भी गायें हैं, जो भी गाय जिसको पसंद होगी वो मेरे को मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, आपको उन सभी गायों का रिकॉर्ड मिलेगा, प्रॉपर रिकॉर्ड मिलेगा, जो सीमन लगे हैं, कौन सी इसकी मदर है, ग्रैंड मदर, सारी का रिकॉर्ड है। इससे आगे एक गैलेक्सी के सीमन की गाय है, इसका भी मैं आपको दिखाता हूँ अडर और शेप और साइज, ये चेक करिए। इस बार हमने भी मान लो चुन चुन के नगीने निकाले हैं, हाई यील्डर्स गायें निकाली हैं सारी। ये जो गायें हैं, ये गाय भी सेकंड टाइमर है,
ये भी अभी थोड़ा कच्ची है, 20 दिन 15 दिन की, ऐसे सारी कच्ची गायें हैं। अडर देख लीजिए अभी बनाना स्टार्ट हो गई है। मिल्क वैन देखिए, तो ये गाय का साइज, बॉडी शेप और चमक, हर चीज़ आप चेक करिए कि कितना साइज़ ही देख लीजिए पहले कि आप साइज़ कितना है, और अडर की बनावट कि कितना फिक्स अडर बनाएगी, जो टांगों से कितना ऊपर अडर है, बिल्कुल फिट अडर बनाएगी, और जो चमक है बॉडी की वो देखिए आप। इसने भी फर्स्ट टाइमर ने तकरीबन 41-42 लीटर दूध दिया है, गैलेक्सी के सीमन की है खुद, और आगे इसको बीगियो का सीमन लगा हुआ है, बीगियो के सीमन से प्रेग्नेंट है, गैलेक्सी की खुद है, सेकेंड टाइमर है, सारी यंग गायें हैं बिल्कुल। और मिल्क कैपेसिटी की मैं बात करूं, मिल्क कैपेसिटी सारी गाय 50-55-60 ऐसे दूध देने वाली गायें हैं, जितनी भी गायें आज आपको दिखाएंगे। प्राइस रेंज की बात करूं मैं, प्राइस रेंज ये गाय की 1,75,000 रुपया है, जो इससे पहले दिखाई थी उसकी भी 1,75 थी। इससे आगे कि ये बछड़ी जो बिल्कुल ब्रीड के कंपटीशनों में पूरी खरी उतरने वाली बछड़ी है, अभी ये भी कच्ची है, और आप स्ट्रक्चर देखना इसका कितना प्यारा है। असल में बछड़ियाँ सारी डरती हैं, क्योंकि फार्म में से आने की वजह से सारी बछड़ियाँ इंसान को देख के डरने लग जाती हैं। ये बछड़ी भी आपको दिखाता हूँ, एक बार खड़ी हो जाए, ये देखिए अभी पीठ, इसकी आप पीठ की शेप देखिए और बनावट देखिए अडर की कैसी है। ये फेवरेट बछड़ी है मेरी, क्योंकि जो इसका बॉडी शेप है वो बिल्कुल जैसे हिरन होता है ना वैसा है। अभी कच्ची है, 20 दिन की अभी टाइम लेगी बच्चा देने में। ये देखिए अभी आप इसका स्ट्रक्चर, कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ऊपर से बिल्कुल सीधी और स्ट्रक्चर बहुत अच्छा, और अडर में वेन्स बहुत अच्छी हैं। ये देखिए एक बार आपको इस साइड को घुमा के दिखाता हूँ मैं इसको, ये देखिए। अब यहां से देखिए इसको प्रॉपर कि कैसी क्वालिटी अडर ये ऐसा बनाएगी, बिल्कुल पीछे को जब ये पूरी रेडी हो गई, जब ये गोबर करा करेगी तो गोबर भी अडर के ऊपर गिरेगा, ऐसा अडर बनाएगी पीछे को, बाहर को, ऊपर की साइड को। ये देखिए ये बछड़ी अभी आज बहुत मेहनत करके, बहुत टाइम लगा के ऐसी ऐसे नगीने हमने ढूंढ के लाए हैं आपके लिए। ये बछड़ी भी मिल्क कैपेसिटी 50 से प्लस की है, अभी मान लो कच्ची है। अभी आज का इसका प्राइस है जो 1,60,000 है, रेडी होने के बाद का प्राइस चलो इसका डिफरेंट रहेगा। आप ऑर्डर एक बार नज़दीक से, मैं आपको ऑर्डर की शेप दिखाता हूँ इसकी, ये देखिए कैसा ऑर्डर और किस तरह का ऑर्डर बनाएगी ये। इससे आगे एक फर्स्ट टाइमर बछड़ी, ये ऑल स्टार के सीमन की है, जो ये बछड़ी है ना ये वर्ल्ड वाइड के सीमन की है। ये बछड़ी आपको फेस की क्वालिटी भी दिखाता हूं मैं इसकी, ये ऑल स्टार के सीमन की है, और अडर बिल्कुल ऐसे की जन मान लो कि जैसे पत्थर से बना दिया ना, इतना फिक्स अडर बनाएगी ये बछड़ी। जैसे ही मिल्किंग में आएगी पूरे दूध पे चली जाएगी तब इसका अडर देखने लायक होगा। आप स्ट्रक्चर देखिए एक बार, अडर देखिए। अभी तो मान लो स्टार्टिंग हुई है, जब आज से जब ये 15 दिन हो जाएंगे जब इसको बच्चा दिए को, अभी इसने बच्चा दिया ही है, जब 15 दिन के बाद अभी इसने आज अभी बच्चा दिया, अभी इसकी मिल्किंग होगी, आज से 15 दिन के बाद ये गाय से चला नहीं जाएगा। मान लो पहलवानों की तरह पैर एक के ऊपर ऊपर रख के चला करेगी, इतना फिट अडर बनाएगी ये बछड़ी, क्योंकि ब्लड लाइन है जो इसकी, जो इसका कलर प्रिंट बिल्कुल, जो अपनी गाय इस बार PDF चैंपियन रही है, DFA चैंपियन, बिल्कुल सेम वही डिट्टो कॉपी कलर, ब्लड लाइन, हर चीज़ में मान लो ये बछड़ी का कोई जोड़ नहीं है। अभी आप देखिए कि साइड से अडर कहाँ लेके जा रही है। अभी ये मान लो जब फर्स्ट टाइमर बछड़ियाँ होती हैं, वो जब 20 दिन 25 दिन हो जाए बच्चा दिए को, मिल्किंग पे आ जाए,
तब उन्होंने अर्डर बनाना स्टार्ट करना है, तब वो परफेक्ट अर्डर बनाती हैं। जो बड़ी गायें होती हैं वो प्रॉपर अर्डर बना के बच्चा देती हैं। तो वीडियो को अभी समाप्त करते हैं। तो बताना भाइयों आपको आज की गाय अपनी कैसी लगी, ये गाय इससे आगे ये गायें आपको आज कैसी लगी हमारी, तो बताना।